ट्रेन कितने बजे है? अब सीधा निकलना है जी मार्केट, मार्केट जा करके जो है बाइक को रिपेयर करवाना है। बाइक जो है बहुत दिनों से घर में वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि बाइक का टायर हो गया है पंचर। अच्छा, उसका फायदा और नुकसान बताइए। फायदा ये है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक साइकिल खरीदा था, बोले कि हमको अब साइकिल चलाना है हेल्थ के लिए, हेल्थ मेरा सही रहेगा, तो कितना भी मना किए फिर भी खरीद ही लिए क्योंकि इनको जो मन होता है वही करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ओके। और नुकसान ये है कि बाइक खराब हो गया है, ये मार्केट नहीं जाते साइकिल चलाते। कोई बात नहीं जी, इस वजह से कोई भी सामान, कोई बात नहीं, तुम्हारा फायदा नुकसान सब बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं मार्केट जाकर के रिपेयर करवाते हैं बाइक को। आ गए हैं जी बाइक को लेकर के, यहाँ पर भाई साहब देख रहे हैं कि बाइक में क्या क्या डिफरेंस क्या, और वैसे दिखा क्या कि टायर में कील धसा हुआ था, अच्छा खासा कील था, पता नहीं कहाँ से उसमें कील लग गया। उधर तो बाइक रिपेयर हो रहा है जी, मुझे लग रही है भूख, तो खाना तो अभी ये खाना है नहीं क्योंकि तो खाना घर में बना हुआ है ऑलरेडी, जा करके आस पास कुछ भी होता है पी लेते हैं। कैसे भाई, पता लगा तो जी बता रहे हैं कि दोपहर के 1:15 और अच्छा खासा टाइम हो चुका है सर्विसिंग करते हुए, लगभग सारा काम तो पूरा हो चुका है, बस गाड़ी लिया हुआ है वॉश करने के लिए, तो वॉश यहाँ पर होता है नहीं तो बाहर भेजा हुआ है इन्होंने वॉश के लिए, तो जल्दी से गाड़ी आएगा और घर जाएंगे। खुद भी काफ़ी तेज लग गई है, बाहर का खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो मन जो है थोड़ा उठ गया है। बात यह है कि पेट का कंडीशन भी थोड़ा सही है नहीं, तो इसलिए घर का ही सादा भोजन खाते हैं। देखिए बाइक की हो गई है पूरी सर्विसिंग, देख सकते हैं पूरा अच्छे वॉश कर दिया और पेंट भी कर दिया है, तो यहाँ से अब सीधा चलते हैं घर। भूख बहुत तेज लग गई है, रास्ते में कुछ लेना भी था तो अगर वहाँ मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो सीधा घर ही चलेंगे, चलते हैं। तो फाइनली जी आ गए हैं घर और भूख लगी है बहुत तेज, जल्दी से खाना लगा दिया। पैर हाथ धो लेंगे ना, उसकी चिंता क्यों कर रही है, तब तक हम खाना लगाते। आज मार्केट से जिया के लिए नारियल लाए हैं जी, तो नारियल देख सकते हैं कितना ही बड़ा साइज का है, इसका तो स्वाद है वह भी बहुत मीठा है, खूब पानी है इसके अंदर, तो जिया भी ऐसा चेहरा इसलिए बनाई हुई है। जैसे ही जिया को मालूम चला कि नारियल जो है 75 रुपए का मिला, हर दिन नारियल आता था 50 रुपए का 60 रुपए का, दाम में बढ़ोतरी के साथ ही नारियल का जो स्वाद मीठा था वो कड़वा हो गया। वाला लेते जो 50 रुपए हम लाते थे वो 75 रुपए वाला क्या जरूरत, सोचे आखिरी समय है कम पिए हैं क्या, इतना दिन कम पिया, आखिरी समय में पी लो जितना पीना है पी लो, उसके बाद हम यही पी लेते, क्या जरूरी था उसमें बाबू आने के बाद उसे ही बंद हो जाना है, बाई चांस मान लो कि पहले डिलीवरी होगी, जो भी बचे वो हम पी लेंगे। आए हुए हैं जी छत पर, हम लोग ऊपर आकर के बैठे, शाम का समय है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, आप लोग को मजा नहीं आ रहा होगा, आप लोग भी फील कर रहे हो, देखिए टी शर्ट कैसे हिल रहा है, ये फ्री का एसी मिल रहा है, फ्री का एसी है जी, क्या एसी लगाएंगे जब ऐसा मौसम रहेगा, तो प्रीमियर चल रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है, देखिए चैट सभी का रिप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग अपना ब्लॉग भी देख रहे हैं और इधर पतिदेव सबके कमेंट का रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि पतिदेव सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल जी, अभी हम लोग देख रहे हैं जी एक यूट्यूब कपल है, उनका ब्लॉग देख रहे हैं और उनका जो फेवरेट है, उनका जो बच्चा है जी बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसके बारे में हमने मेंशन किया हुआ है किसी ब्लॉग में, चीचो। बिल्कुल, तो अगर आप समझ चुके हैं जो भी उनके सब्सक्राइबर है नीचे कमेंट करके बताइएगा इनकी बात हो रही है, पर्सनली हमें बहुत ज्यादा पसंद है उनका ब्लॉग। ठीक है जी, तो अब हमारा लग गया है खाना, तो जा करके खाना खाते हैं। आ गए जी सुबह सुबह टहलने के लिए और आज जो है ज्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं, जल्दी ऊपर आ जाते हैं, उतना मौसम अच्छा मिलता है, कोशिश तो करेंगे कि थोड़ा सा पहले ही उठा करें ताकि अच्छे मौसम का जो आनंद ले पाए। अभी उठते हैं हम लोग 5:30 बजे का, अभी 5 बजे काफी, देखते हैं 4:30-4:00 बजे उठ जाएंगे तो हमें लगता है और भी मजा आने वाला है। कौवे महाराज क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। वाले पौधे में कीड़ा लगने लगा है, तो जिया जो है सभी को साफ कर रही है, वो दवाई डालना पड़ेगा कीड़ा मरने वाला, सब में लग जाएगा एक बगल से, ये ऐसा होता है ना कि सब में लगा दो, ओ भाई साहब बहुत इतने मेहनत से जो है ऑलरेडी सबको बड़ा किया है। तो यहाँ पतिदेव आ चुके हैं पानी देने के, पाइप कहाँ है, हम देंगे पानी आज, हम देंगे पानी, हम देंगे, झुकना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, ऊपर से देंगे। ये देख सकते हैं सो प्लांट कितना सुंदर लग रहा है ना, तो आर्टिफिशियल इसको है। लेकिन दिया था इसे टांगने के लिए घर के पास बालकनी में, यहाँ पे पूरा पानी डाल दिए पतिदेव,
अब यहाँ पे तुलसी पिंटा धो रहे हैं। हमारी मामी आ चुकी है। मामी एक के कान में कान का पहने हैं। कल नहीं आए थे, आज आए। पर एक जो है बिल्ली का छत्ता है तो मम्मी उसको हटा रही है। इसे काटना ले। 20 minutes later. जो है सभी को सवेरे थोड़ा नहाना है, बिल्कुल आग लगने वाला है पावर कट। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऐसा कहा जा रहा है कि पावर कट लगेगा। जल्दी से सब लोग नहा लो, बिल्कुल भी देरी मत करना वरना बाद में मालूम चल जाएगा। हमारा लग रहा है जी नाश्ता चूरा दही, तो जल्दी से दही लाया जाए। गुड़ भी है ना, बस गुड़ भी डाला जाए और मजा आ जाएगा। हो गई पेट पूजा, शरीर में थोड़ी सी आ गई है जान, अब करते हैं काम। यहाँ पे पतिदेव पानी भर रहे हैं। हमारी ड्यूटी लगी हुई है पानी भरने की, और इनका काम करने का एरिया चेंज हो चुका है, ये यहाँ काम करते हैं। कि अंदर में इनको घुटन हो चुकी है ना, बिल्कुल गर्मी इतनी ज्यादा हो इसलिए ये बाहर में काम करते हैं। और यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन धोगी, पूजा का बर्तन धोने के बाद फिर जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि आज लाइट कभी भी कट सकती है। तो जी फाइनली अब हम नहा के हो गए तैयार और अब चलते हैं पूजा करने। मी ट्रेन कितने बजे है? क्या कौन सा कम्बल? अरे ट्रेन में कम्बल और देता हूँ बिस्तर। अब तो शायद देना शुरू कर दिया है। हमारा पूजा भी हो गया, अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख लग गई है बहुत तेज। इस धूप में कपड़ा के सूखने की कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं। इंसान सूख जाता है तो कपड़े और ठंड के मौसम में कितनी दिक्कत होती है। अभी तो कपड़ा डालो सूख जाएगा। तो नारियल पानी पीने का एक अलग ही स्टाइल है इनका। बाहर के नजारे का आनंद ले रहे हैं और लाइट तो है नहीं, तो यहाँ से हवा का थोड़ा सा हो रहा है, हवा का थोड़ा फील कर रहे हैं, तो यहीं से पीते हैं, मजा लेना चाहिए। देख सकते हैं किसके लिए नारियल पानी आया था, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हो गया, अब तुम बहुत नारियल पानी पी ली, आखिरी का समय छोड़ दो, अब हम पियेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि 11 से 4 तक जो है पावर कट लग जाएगा, तो वह पावर कट लग चुका है जी। तो अभी हम लोग गर्मी में देख सकते हैं हम लोग का क्या हाल है, हाल बेहाल है। आए, हाए, हाए, हाए। हाल क्या बोलेंगे, बेहाल है। मेरा हाल बेहाल। तुमको कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है, पूरा मेरा मतलब लग रहा है कि क्या हो गया। और देख रहा था आप में से कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे, कुछ लोग क्या बहुत लोग कह रहे थे कमेंट करके कि भैया एसी लगवा लीजिए वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आने वाली बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी हमारा इस पर मानना है कि एसी देखिए लगने से सुविधा तो हो गई, जाहिर सी बात है सुविधा वाली चीज है ही, लेकिन हमारी जो सोच है जी थोड़ी सी अलग है और उसका कारण भी है, क्योंकि हमारा प्लान है जी ट्रेवल व्लॉग करने का। जी हाँ, ट्रेवल व्लॉग से ज्यादा करने का जी, हमें ट्रेवल करने का शौक है। व्लॉगिंग तो चलिए अलग चीज है, व्लॉगिंग तो अब ऐड हुआ है, पहले से ही हम बहुत ज्यादा घुमक कर रहे हैं। लेकिन अभी जिया का कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं, जिया की क्या कंडीशन है, और डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक भी ट्रेवल करना जो है सही नहीं रहेगा, ऐसा कि अपने रिलेटिव सबसे जानकार लोग ऐसा बताते हैं। और जी बात रही बेबी की, तो हमने चाहते कि बेबी को जो है एसी का आदत लग जाए, क्योंकि जिन जिन बेबी को एसी का आदत लगा है अपने जान पहचान वालों में उनकी हालत को हमने देखा है जी, कितनी हालत खराब रहती है उनकी जी। हमें ध्यान है अपने साथी क्रिएटर की, वो लोग आए थे हमारे घर और हम लोग गए थे साथ मूवी देखने के लिए, उनके बच्चे को जो है अच्छी खासी एसी
की आदत पड़ी हुई है। तो जब हम लोग मूवी देखने जा रहे थे तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि यह जो बच्चा है मूवी देखने देगा कि नहीं, लेकिन जब वो अंदर गया तो आराम से वो सो गया, आराम से सोया। और मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि एसी इतना चिल्ड था ना वहाँ पर, पूछिए मत, इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी हम लोग को लग रहा था कि हाफ स्लीप में क्यों आ गए, फुल स्लीप में आना चाहिए। वो आराम से सो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे लग रहा है मजे में है। लेकिन जैसे मूवी खत्म हुई और हम लोग बाहर निकले, रोना जो शुरू हुआ, पूरी रात बच्चा रोते रहा। उनके माँ बाप जो है परेशान हो गए, चुप करते करते में ही उनको अपने घर जाना पड़ा क्योंकि हमारे घर एसी नहीं थी वहाँ। ऐसा एग्जांपल हम बहुत सारा दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है जी। इसलिए हम लोगों ने सोच लिया था उसी टाइम, जब भी कभी ऐसा समय भगवान देंगे तो हम कभी एसी नहीं लगवाएंगे। उनसे सीख ले लिया था हमने, नहीं कर पाता अगर बाहर हम कहीं घूमने गए तो मान के चलते हैं गाड़ी में, हमारी गाड़ी में एसी है, होटल में एसी रहेगी, लेकिन बाहर जरूरी नहीं है कि हर जगह एसी ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि उसका भी शरीर ऐसा रहे, हर टेम्परेचर को वो सह सके। बिल्कुल जी, तो यही हमारी सोच है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सही सोच है या नहीं। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। और हां जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।